हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारे हाथ में है बैंगल और ये जो मैंने बनाया हुआ है, और हैंडमेड कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी आगे चीज़ें देखिए कैसे करते हैं। तो अब मेरे हाथ में अभी रैंडम हमारी कांच की चूड़ियाँ हैं। एक तो मैंने इस तरह से बना के रख दिया था फेविकोल से पेस्ट करके, और इसको मैं अलग है, इसको अब हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल ये वाला फेविकोल है वो यूज़ करेंगे। मेरे हाथ में गोटा है और सेकेंड में ये कपड़ा है, तो ये दोनों यूज़ होगा, इसलिए फेविकोल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने नॉर्मल फेविकोल लिया है, इसने पलट लिया था बाउल में, और डॉट डॉट करके हम इसको यूज़ करेंगे इस तरह से। आप देखते रहिए और अच्छे से फेविकोल लगाना, जिससे कि आपका ये पेस्टिंग है अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा वाला आपके पास और अच्छा यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, जो फेविकोल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और मैंने इस तरह से ये यूज़ किया। अब देखिए, मैं कपड़ा पेस्ट करूँगी, तो कपड़ा कैसे पेस्ट करना, मेरे हाथ में ब्रश है, मैंने ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह से इसको स्प्रेड करूँगी फेविकोल, और इसको इस तरह से फिर हमें कपड़ा पेस्ट करना है। एक एक करके आप अच्छे से इसको देखते रहिएगा कि किस तरह से मैं ये पेस्ट कर रही हूँ। थोड़ी मेहनत है लेकिन रंग भी बड़ा अच्छा लाता है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर ऐसी ही वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और सब्सक्राइब करके रखिए। और भी मैं ऐसे सीरीज़ लाती रहूँगी, कुछ ना कुछ हमारी इस चैनल पे आता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट में सीरीज़ चलते रहते हैं, और देखते रहिए। मैं इस तरह से पूरी इस कपड़े को मैं इस बैंगल्स में अच्छे से चारों तरफ से पेस्ट करती रहूँगी, और जो इनर साइड है उसका भी मैं कुछ बताऊँगी। आगे देखते रहिएगा कि किस तरह से करना है। ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट होने वाला है। अब इसका जो थोड़ा ओवरलैपिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से बॉन्ड हो जाए। तो ओवरलैपिंग मैंने करा, बिल्कुल एज पर नहीं लगाया कपड़ा, ठीक है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैंने और लगा के फिर मैंने इसको कट करके अच्छे से और पेस्टिंग कर लेना। जो धागे थ्रेड वगैरह हो रहे हैं ना, उसे भी अच्छे से साइड से पेस्ट कर लेना है फेविकोल लगा के इस तरह से। और ये जो जिसमें थोड़ा सा इनर साइड में जो भी बैंगल्स वगैरह दिख रही है ना जैसे, तो मैंने छोटा सा पीस कपड़ा कट करके इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, देखिए इस तरह से। तो जिससे कि और अच्छे से ये पूरा कवर अप हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था तो इसलिए मैंने इसको कट करके कपड़े में पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें जो काम करना है वो है गोटे का, ठीक है। आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गोटा यूज़ करते हैं। गोटे को कैसे यूज़ करना है, देखिए मैंने नॉर्मल फेविकोल भी ले सकते हो, और जो मैंने दूसरा वाला भी दिखाया था बॉटल वाला छोटा सा फैब्रिकल वाला, जो फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला फेविकोल भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। उसमें बहुत झंझट था एक एक डॉप करके, तो ये ऐसे लगाती गई और ऐसे ऐसे फोल्ड करती गई। जितना आपको डिस्टेंस बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन अच्छा बना सकते। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे बहुत अच्छा बनाएंगे, बट मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए ये मैं बना रही हूँ। और इस तरह से आप या तो पूरा फोल्ड कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई डिस्टेंस कोई गैप नहीं दे सकते हैं, पर मैं इसमें गैप दे रही हूँ थोड़ा, जिससे कि अंदर का भी कपड़ा डिज़ाइन दिखे, इसलिए मैंने इस तरह से किया है। और देखते जाइए पूरा कवर हो चुका है। अब इसको अंदर से कट करके इनर साइड में ही पेस्ट कर दिया मैंने, है ना। तो इस तरह से अब थोड़ा सा इसे ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें जो दूसरा प्रोसेस है, जैसे कि जो आप देख रहे थे मिरर वाली लेस थी, तो अब देखिए मेरे हाथ में ये लेस है। अब इसको मैंने कट कट करके इस तरह से कट कर लिया, और अलग अलग और पीसेस कर लूँगी। ग्रीन और येल्लो का मैंने कॉम्बिनेशन लिया है इस वाले में, और इस तरह से मैं इसको भी पेस्ट करूँगी। इसकी पेस्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी हीट गन की, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ग्लू स्टिक इसमें होती है, इसको हीट गन इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, तो अच्छे से ये पेस्ट हो जाए। अब ये मिरर, छोटे छोटे मिरर्स हैं, मिरर्स भी यूज़ करूँगी। तो अब देखते रहिए किस तरह से एक एक करके पेस्ट, थोड़ा थोड़ा इसमें भी मैंने गैप दिया हुआ है, बिल्कुल पास में नहीं, मैंने रोल के बीच में फंसा लिया जिससे आराम से लग सके। तो आराम से आप देखते रहिए और इन्जॉय करिए इस वीडियो को। आगे और भी इसमें पेस्टिंग करनी है, पहले सर्कल पेस्ट करने के बाद फिर मैं इसमें मिरर भी पेस्ट करूँगी, और इन्जॉय करिए आप इस वीडियो को। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आ रही होगी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। देखिए अब इस तरह से मैंने मिरर भी लगाए हैं। अब एक एक करके मैं मिरर, छोटे छोटे मिरर्स हैं, आपके पास कोई भी मिरर्स हैं या कोई स्टोन्स हैं अपने अकॉर्डिंग, बहुत से लोग कुंदन्स के भी स्टोन्स आते हैं छोटे छोटे, वो भी आप लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। आपके पास जो मटेरियल है वो आप देखिए इस तरह से पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब देखिए लुक आया है, तो अगर ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नवरात्रि में अच्छे से इंजॉय करें इसे पहन के।